ए गुड मॉर्निंग फैमिली, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। कल का ब्लॉग पे आपका प्यार हमें मिला, काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन चाहता हूँ कि कुछ और थोड़ा बहुत सपोर्ट तो बनता है, क्योंकि हम काफ़ी मेहनत कर रहे हैं अपनी आयु के लिए। मतलब इस ब्लॉगिंग में उतरना और मतलब सपोर्ट अनएक्सपेक्टेड उतना नहीं मिल रहा है। थोड़ा सा और प्यार दिखाइए हमें। और आयु अभी कंटिन्यू ब्लॉग अभी भी अकेले में भी शूट करता रहता है, तो हम उसको इसमें डाल देते हैं। तो अभी दिन की शुरुआत हो चुकी है, अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा आयु को लेने, क्योंकि वो अपनी नानी के घर गया हुआ है, तो उसको मैं लाने जा रहा हूँ। तो मिलते हैं आपसे और फिर शेयर करते हैं अपनी दिन भर की कहानियाँ आपके साथ। तो नाश्ता ऑलमोस्ट रेडी है। रेडी है ना? क्या बनाएंगे? ये मूली और मूली के पत्ते की भुजिया। ओके, ये खाना बन रहा है वैसे, मम्मी नाश्ता भेज दी थी। अच्छा, ये खाना बन रहा है आजकल, मम्मी डेली नाश्ता एकदम गाय बकरी वाला खाना है, एकदम लगता है कि मतलब जी नहीं, पत्ता गोभी चबा रहे हैं, चबर 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 चबर, बिल्कुल अच्छा नहीं, बहुत टेस्टी होता है। फिर भी जो मिल जाए वो खा लेते हैं, क्योंकि वो भी नसीब नहीं होगा, समय के और हालात के साथ खुद को डालना पड़ता है। कुछ भी बोलते रहते हैं, डाल लिए, इतना टेस्टी लगता है पता है हमको, नहीं वैसा लगता, लेकिन फिर भी हम खा लेते हैं। चलो, आपके लिए आलू का भुजिया बन रहा है। हाँ तो ठीक है, सब तो ठीक है। A few moments later. अरे बेटा, तू ये सैड म्यूजिक भी नहीं सुन सकते हो? चेंज करो इसको, सैड म्यूजिक भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हाँ नहीं 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 बेटा, आंसू आंसू से रोया एकदम, नाक से आंसू, आंख से आंसू, आंसू ही आंसू। छी, अब बंद हो गया म्यूजिक, बंद हो गया। दोस्तों, एक बहुत यूनिक यहाँ पे घटना घटी है। अभी मुझे बोली कि कुछ खाने का मन कर रहा है, पहले बोली मीठा खाने का मन कर रहा है, फिर बोली चॉकलेट खाने का मन कर रहा है, फिर बोली पेड़ा खाने का मन कर रहा है, और जब हम पेड़ा और इसका चॉकलेट जो है फ्रूट एंड नट्स हम लेकर आए, तो बोली कि अब हमको केक खाने का मन कर रहा है। अब इतनी ठंड में हम गए, मैं और आयु दोनों गए लेके आए। पेरा को तो बोले कि दवाई जैसा लग रहा है पेरा, चलो हट गया। चॉकलेट थोड़ा सा खा के छोड़ दी, अभी बैठ के रो रही है। मूड इस तरह स्विंग हो रहा है कि पता नहीं वसीम अकरम भी फेल है इसके सामने, स्विंग के सामने। अभी फिर इसके पापा बाहर हैं, तो उनको बोली है कि अब नमकीन खाने का मन हो रहा है, तो उनको बोली है समोसा या टिक्की चाट। फिर बोले क्या चाहिए, तो बोली अब दोनों ही लेके आइए, अब दोनों ही आ रहा है। अब क्या हो रहा है, अब इसको मोमोज खाने का भी मन हो रहा है, सॉरी वो तो मेरा मन हो रहा है, लेकिन हम अपना मन तो कुछ कर नहीं सकते, तो इसी का समोसा ही आएगा, शायद उसमें से एक आध मिल जाए अगर इसका मूड सही रहे तो, नहीं तो अभी टोटली इमोशनल है। और आयु है कि सैड म्यूजिक भी सुनता है तो रोने लगता है। कौन सा म्यूजिक था बेटा? तो यहाँ पे कॉमेडी ही चल रही है। चाय हमसे ऐसा घटिया चाय बना कि हम खुद भी नहीं पी पाए, तो इसको हम क्या पिलाते। तो चाय फाइनली वेस्ट
करना ही पड़ा, मतलब फिर भी मैं कोशिश किया, आधा कम से कम मैंने ख़त्म किया, फिर आधा चाय को फेंकना पड़ गया, फेंक दिए, और अब यही उठेगी थोड़ा सा, जब रिलैक्स होगी तो यही फिर चाय बनाएगी और हमको भी चाय देगी, क्योंकि मेरा फिर से सर दर्द हो रहा है और इसको तो सर दर्द ऑलरेडी है, शायद वो भी चाय नहीं मिलेगा, बट देखते हैं, कोशिश में रहेंगे कि चाय मिल जाए, तो बने रहिएगा ब्लॉग में, देखते हैं चाय कब मिलती है। क्या हुआ रे? बेटा म्यूजिक बंद, अब तुम हंस लो, आयु आयु मेरे लाल, बड़े पीले। बोल। मैंने बोला था ना इसको कहीं और कर दो, तुमने कर दिया, अच्छा हुआ तुमने कर दिया। हो गया, तुम जैसा बोले थे हमने वैसा ही कर दिया, इसको इस साइड कर दिया। तुमको सब सुनाई दे दिया था कलंदर से। मैं हर चीज सुन लेता हूँ। तुमको तुम बहुत सुन लेते मेरा बात। और मैं रोते रोते तुम्हारे पास ऐसे दौड़ के आ गया। दौड़ के आ गया। तुम क्या किए मेरे साथ? तुम्हारे साथ मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं किया। कैसे मैंने अकेले पलंग को इधर से इधर कर दिया, बताओ मम्मा को, कैसे बॉडी दिखा के रॉकी भाई जैसा मैं किया, एकदम लेट गया जमीन पे, मारा पैर से बूम, हो गया ना, वैसे घसका दिया। कैसा लगा बताओ? सलाम रॉकी भाई। सलाम रॉकी भाई। अच्छा क्या लिखा हुआ पैजामा में बताओ तो? मैंने बताया था ना। हॉलस्टर। हॉलस्टर। और इसमें? नहीं इसमें। हुडी में क्या लिखा हुआ है ऊपर? हुडी। क्या लिखा हुआ है? हुडी। मैंने क्या बताया था? बोले था ना हुडी में क्या है? हुडी है। मैंने नहीं बोला ये बात। नहीं करने वाला, झूठ मत बोलो। मैंने बोला ही नहीं है कि मैं जान नहीं, मैं जान खाने वाला ऐसा कुछ नहीं। तो मुँह पे मुक्खा मार दूंगा। अरे ऐसे थप्पड़ मारा थोड़ा सा, ला उधर वाला गाल छूना पड़ेगा। A few moments later, hey family, तो रात के 10 बज चुके हैं और अभी वापस से भूख लग गई हम लोगों को, जो खाना वगैरह था हमने खा लिया था काफी पहले, क्योंकि ठंड का टाइम है तो सब चीज हम लोग आजकल लगता है कि लेटेस्ट 8 बजे तक हो जाता है, लेकिन फिर से भूख लग गई, तो अभी क्या हो रहा है कि क्या बना रहे हैं, पोहा बना रहे हैं, और लकीली हम लेके आए थे चूड़ा, जिस वजह से अभी पोहा का मतलब सीन तैयार है और ये फटाफट पोहा रेडी कर रही है, तो बस, और यहाँ पे चूड़ा भिगोने के लिए रखी हुई है, जल्दी से जल्दी बोल जाएगा, कितनी देर लगेगा तू? 10-15 मिनट। और हम दोनों ही अभी शॉल खेल रहे हैं रेड एंड ब्लू, क्योंकि मुझे कैप से सर दर्द होने लगता है काफ़ी, तो इसी वजह से शॉल यूज किए हैं। अच्छा लग रहा है? अच्छा क्या लग रहा है? ठंड से बचाव हो रहा है ना? हो गया चूड़ा भी रेडी है, और इसका जो इंग्रेडिएंट्स है इसने रेडी कर लिया है, धनिया पत्ता, मटर, प्याज और पता नहीं क्या क्या चीज़ें इसमें डलती है, हल्दी भी डाल दी हो? अच्छा हल्दी, क्योंकि एक्चुअली मेरा खाना बनाने में हाथ थोड़ा सा तंग, पूरा ही तंग है, थोड़ा सा क्या है, मैगी भी मतलब भगवान भरोसे ही बनता है, कभी अच्छा तो कभी नहीं, फिर भी मैं ट्राई ज़रूर करता हूँ। रोटी बनाते हैं हम, रोटी भी अध पका, जिसको
बोलते हैं वो यही बताइए कि आप अध पका रोटी बनाते हैं। एटलीस्ट मैं बनाता हूँ। कच्चा होता है, मतलब कहीं कहीं से मोटा होता है तो वहाँ तो कच्चा बनाते हैं। एटलीस्ट हम बनाते भी हैं। हाँ, लेकिन कोशिश तो करते हैं ना। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मुझे नहीं आता है, मैं नहीं करूँगा। हम हैं हिम्मत वाले। ये अच्छी बात है, ट्राई तो करते हैं। यस। गर्मा गर्म चलेंगे पोहे। एंड रितु पूछोगी और लोगे? तैयार हो चुका है गर्मा गर्म पोहे, और कुछ बच भी गया है, और दाल भी रेडी है, साथ में दाल पियेंगे मैं और आयु। यस, इससे ज्यादा हेल्दी डाइट कुछ हो ही नहीं सकता।